भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हमला हुआ था। इसी हमले के निषेध में शुक्रवार को भीम आर्मी की ओर से निषेध आंदोलन किया गया। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद हमले के निषेध में शुक्रवार को शहर के संविधान चौक पर भीम आर्मी नागपुर की ओर से निषेध आंदोलन किया गया। भीम आर्मी की मांग है कि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद को झेड़ प्लस सुरक्षा दी जाए। हमारी यही मांग है कि हमारे जो भाई है चंद्रशेखर आजाद, जो इस देश में बहुजनों के शोषित पीड़ित और जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए जो आवाज़ उठाने वाले एक बहुजन नायक है, और उसी बहुजन नायक, बहुजन हृदय सम्राट हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद पर अगर ये मनुवादी गुंडे अगर झुंड से आकर उनको हमला करते हैं तो ये बात गलत है, क्योंकि भाई जो इस दलित समाज के लिए एक उभरता हुआ चेहरा है, अभी जो आते ये आने वाले समय में भाई ने जो इस देश में काम किया है 7-8 सालों में, उसकी उस काम को देखकर यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं वो जल गए हैं कि कहीं ना कहीं आंबेडकरवादी आगे जा रहे हैं और अपने देश को बचाने के लिए वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आंबेडकरवादी लोग जो है वो समता और संविधान के माध्यम से काम करते हैं, तो यही बात उन मनुवादी गुंडों को समझ में नहीं आई, उनको ये बात रास नहीं आई, और उन्होंने इसी चीज़ को टारगेट करते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर में गोलीबार किया, जिसमें भाई को एक गोली छूकर निकल गई और 4 राउंड फायर किए। तो हमारा ये कहना है कि अगर तुमको अगर लड़ाई लड़नी है तो संविधानिक मार्ग से लड़ो, लेकिन ये बुजदिलों की तरह अगर आप तुम भाई चंद्रशेखर आजाद पर अगर गोली चलाकर आंदोलन करते होंगे तो आने वाले समय में ये बहुजन समाज पूरे देश में बड़ा आंदोलन कर उन मनुवादियों को अपनी जगह दिखाएगा, क्योंकि हमारा काम ही है जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी यही मांग है कि भाई चंद्रशेखर आजाद पर जिन आरोपियों ने गोली मतलब जो गोलियां चलाई, उन्हीं आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, रासुका के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाए, और भाई चंद्रशेखर आजाद को गृह मंत्रालय की तरफ से झेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, इस देश का एक बहुजन नेता होने के नाते, जो राजा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और भीम आर्मी के संस्थापक प्रमुख भी है, अगर इतना बड़ा नेता अगर है तो उसको अगर झेड प्लस सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है तो इस सरकार का क्या उपयोग है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।